जयपुर में खोले गए हनुमान जी में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के कई ज्योतिषी भाग ले रहे हैं। वहीं आयोजकों ने बताया कि ज्योतिष के ज्ञान को विश्व में एक बहुत उच्च स्थान पर स्थापित करने का उद्देश्य है और अध्यात्म का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य पर तत्पर रहना है। हमारी संस्थान ऐसे उद्देश्यों के लिए हमेशा प्रयास करती है। हमारा जो वैदिक ज्योतिष मंथन सम्मेलन है, इस सम्मेलन का आयोजन ये है, इस विषय से हमने इस सम्मेलन का आयोजन किया है कि हमारे जितने भी ज्योतिष के क्षेत्र में भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन सभी भ्रांतियों का निवारण हो और ज्योतिष को, जो हमारे ज्योतिष भाई हैं जिन्होंने सिर्फ प्रोपोगेंडा बना दिया है, उस प्रोपोगेंडा का नाश हो सके और जो वास्तविक ज्योतिष है वो जन जन तक उसका प्रचार प्रसार हो और ज्योतिषियों के बीच में सौहार्दपूर्ण माहौल हो। ज्योतिष एक धंधा ना बनकर, ज्योतिष जो वेद का चक्षु कहा जाता है, अपने आप में वो चक्षु बनकर एक विस्तृत रूप में उभरे, ये हमारे सम्मेलन का उद्देश्य है। इस संस्था के द्वारा जो भी ये कार्य आयोजन हो रहा है, ये एक अपने आप में अभूतपूर्व कार्य है, क्योंकि ऐसे कार्य को आयोजित करने के लिए बहुत ही संगठन की, बहुत ही सहयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि विभिन्न विभिन्न लोगों को एकत्रित करके ऐसा आयोजन करवाना अपने आप में ही खुद एक अभूतपूर्व कार्य है। हम मानते हैं कि ऐसे कार्य ज्योतिष एक ऐसा एक अभिन्न अंग है इस दुनिया का, कि जो आज से नहीं, राजा महाराजा यानी देव जिस समय इस पृथ्वी पर थे, उस समय से ही इस कार्य के अंदर पारंगता पाई गई है कि ज्योतिष को बढ़ावा देने के लिए हमें कई कार्य करने होंगे, कई उद्देश्य लेने होंगे और हमें इसको भारत ही नहीं, भारत से बाहर जितने भी हमारे देश हैं, ऐसे भी देश हैं जिनका नक्शे में नाम नहीं है, ऐसी ऐसी जगहों पर हमें ज्योतिष के क्षेत्र को आगे बढ़ाना होगा।